नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में, जो कि 1918 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से भारत आने के बाद जो शुरुआती आंदोलन हुए थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे चंपारण के सत्याग्रह के बारे में चर्चा की थी हमने पहले, फिर हमने चर्चा की थी अहमदाबाद में मिल वर्कर्स का जो स्ट्राइक था उसके बारे में। आज हम देखने वाले हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। खेड़ा सत्याग्रह को फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन बोला जाता है, प्रथम असहयोग आंदोलन, प्रथम असहयोग। ठीक है, तो प्रथम असहयोग आंदोलन बोलते हैं इसको हम। अब देखिए कारण क्या था, इस प्रथम असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, क्यों ये हुआ। ठीक है, खेड़ा में सत्याग्रह क्यों हुआ, तो देखिए हुआ क्या था कि 1918 में सूरत में, ये खेड़ा जो जगह है वो सूरत में है, गुजरात में, गुजरात राज्य में सूरत जिले में खेड़ा है। अब देखिए खेड़ा में क्या हुआ था, गुजरात सूरत में 1918 में ड्रॉट आया था। ड्रॉट यानी कि सूखा, हिंदी में सूखा बोलते हैं, सूखा पड़ा था। सूखा पड़ने के चलते वहां पे जो फसलें थी वो नुकसान हो गई थी, सूखा पड़ने के चलते फसलें नुकसान हो गई थी। अब देखिए जैसा कि हम हमेशा देखते आए हैं कि ब्रिटिश काल के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हम टैक्सेस के बारे में पढ़ते हैं, रेवेन्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे शोषण किया जाता था, कैसे अधिक टैक्सेस लिए जाते थे। तो असल में यहाँ पे भी केस वही था, टैक्स को लेकर ही बातें थी। होता क्या है, सूखा पड़ा है, क्रॉप फेल हो गए हैं। अब यहाँ पे एक रेवेन्यू कोड था, रेवेन्यू कोड था जिसके हिसाब से टैक्स लिया जाता था। उसके हिसाब से इफ यील्ड इज लेस देन 1/4 ऑफ द नेचुरल नॉर्मल यील्ड नो टैक्स, यानी कि अगर जितना एक नॉर्मल प्रोड्यूस होता है, नॉर्मली जब बारिश वगैरह हो, सारी कंडीशंस ठीक हो, तो जो फसल की उपज होती है उससे अगर 1/4, उससे अगर 1/4 हिस्सा उसका अगर फसल होता है कभी, तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर 1 एकड़ खेत में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं कि एक खेत है, उस खेत में 100 किलो अनाज उगता है। ठीक है, नॉर्मली 100 किलो अनाज होता है, तो अगर उसका 1/4 ही हिस्सा हुआ, यानी कि अगर 25 किलो ही किसी साल हो रहा है, तो उस साल टैक्स नहीं लिया जाएगा। जब 100 किलो था, 100 किलो जब अनाज उपज हो रहा था तो टैक्स लिया जाता था। अगर कभी किसी कारणवश सूखा या बाढ़ के चलते 25 किलो ही उपज हो तो उस साल टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये रेवेन्यू कोड था। अब देखिए ये रेवेन्यू कोड था, तो इसके हिसाब से गुजरात सभा जो थी, गुजरात सभा क्या थी, जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो वर्कर्स थे वहां के, उनका एसोसिएशन था। जो पीजेंट्स और फार्मर्स थे वहां पे, जो खेती करते थे, उनका एक एसोसिएशन था जिसको गुजरात सभा कहा जाता है। 1918 में सूखा पड़ा था, तो 1918 में ही ये लोग गवर्नमेंट के पास एक पेटीशन लेकर गए थे, जो अथॉरिटी थी वहां पे उनके पास पेटीशन लेके गए थे, इसलिए कि 1918 का टैक्स आप माफ कर दीजिए, रेवेन्यू कोड के हिसाब से आपको माफ कर देना चाहिए क्योंकि हमारी उपज बहुत कम हुई है। तो ये इन्होंने कहा, लेकिन जो गवर्नमेंट थी, जो अथॉरिटी थी, उन्होंने डिसएग्री कर दिया। उन्होंने कहा कि हम टैक्स तो माफ नहीं करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी को हम सीज कर देंगे। सीज कहने का मतलब आपकी जमीन है या फिर आपका घर है, आपका मकान है, उसको हम अपने कब्जे में ले लेंगे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना लेंगे, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको हम छीन लेंगे। देखिए एक तो ये टैक्स को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज ये प्रॉपर्टी को सीज कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, वही होना है जो होगा, होगा एक आंदोलन सत्याग्रह। महात्मा गांधी के पास इन लोगों ने अप्रोच किया, तो महात्मा गांधी ने कहा कि टैक्स तुम लोग मत दो, टैक्स नहीं देने के लिए महात्मा गांधी बोल दिए। तो इन लोगों ने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे। अब जब ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर देंगे, तो वो लोग प्रॉपर्टी सीज कर दिए। अब लोगों की प्रॉपर्टी काफी, मतलब अधिकतर लोगों की प्रॉपर्टी सीज होने लगी, सीज होने लगी। तो ये लोग अब अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा जाके रहने लगे। ठीक है, रिश्तेदारों के यहाँ रहते थे और उन्हीं के घर में कुछ दिनों के लिए उनको रहना था, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा टैक्स ना दीजिए, इसलिए टैक्स तो इनको देना नहीं था। तो अब इसके चलते क्या हुआ कि ये लोग टैक्स नहीं दिए, प्रॉपर्टी सीज होने लगी। सरदार पटेल ने इसमें एक रोल अदा किया था, वो क्या था, टैक्स रिवॉल्ट। इस रिवॉल्ट में एक फेज आया था जिसको हम टैक्स रिवॉल्ट बोलते हैं, उसमें सरदार पटेल का ये योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था, ऑर्गेनाइज करना, सारे कलीग्स को और सारे संगठनों को एक साथ ऑर्गेनाइज करने का जो श्रेय जाता है वहां पे, वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भी मेन लीडर्स थे, जैसे नरहरि पारिक थे, सरदार पटेल थे, महात्मा गांधी तो थे ही थे। तो इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, और एक बहुत सारा, सारे संगठन एक साथ, जब किसानों के गुजरात सभा और तमाम लोग जब एक साथ आए, और महात्मा गांधी वहां पे थे ही, तो इसके चलते बाद में क्या हुआ, ये जब आंदोलन चल रहा था, देखिए इसको क्यों कहते हैं नॉन कोऑपरेशन, यानी कि किसी ने कोऑपरेट नहीं किया सरकार के साथ, सब सरकार से कोऑपरेशन खत्म हो गया था।
तो बाद में क्या होता है, ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन इसको बोलते हैं, एक और आगे आएगा असहयोग आंदोलन, वो अलग होता है, और ये इसको हम बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन। तो बाद में एक एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट में और फार्मर्स के बीच में, वो एग्रीमेंट में ये होता है कि 2018 के लिए टैक्स आपको नहीं देना है, माफ कर दिया गया, साथ ही साथ 2019 में भी आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, रिड्यूस्ड टैक्स देना पड़ेगा, जितना देना पड़ता था पहले, अगर पहले 100 रुपये देना पड़ता था तो बाद में कुछ कम देना पड़ेगा 2019 में। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी सीज कर ली गई थी लोगों की, जो फार्मर्स की प्रॉपर्टी जो टैक्स नहीं दिए थे उनकी प्रॉपर्टी सीज हो गई थी, तो उस सीज्ड प्रॉपर्टी को भी लौटा दिया जाएगा। ये हुआ था खेड़ा सत्याग्रह में, ये सारी बातें थी खेड़ा सत्याग्रह की। एक मिनट में रिवाइज करते हैं, रिवाइज ये करते हैं कि खेड़ा गुजरात में एक जगह है सूरत जिले में, वहां पे सूखा पड़ने के कारण में फसल अच्छी नहीं हुई। रेवेन्यू कोड के हिसाब से अगर आपकी फसल नॉर्मल फसल के 1/4 भाग होती है तो आपको टैक्स नहीं देना था। वहां पे इन लोगों ने एक पेटीशन लेकर गए, गुजरात सभा ने पेटीशन लिया गवर्नमेंट के पास, वो गए वहां पे, इसको डिसएग्री कर दिया गया कि हम आपकी टैक्स माफ नहीं करेंगे, साथ ही साथ अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी। गांधी जी ने कहा कि आप टैक्स मत दीजिए, जिसके चलते प्रॉपर्टी लोगों की सीज होने लगी, और सरदार पटेल ने सारे लोगों को एकत्रित किया, अपने कलीग्स को एकत्रित किया और टैक्स रिवॉल्ट चलाया। टैक्स रिवॉल्ट का ये परिणाम हुआ, सरदार पटेल, नरहरी पारिख और महात्मा गांधी के लीडरशिप में इसका ये अंत आता है कि गवर्नमेंट तैयार हो गई, एक एग्रीमेंट हुआ कि 2018 का टैक्स माफ कर देंगे और 2019 में भी कम टैक्स आपको देना पड़ेगा, साथ ही साथ जितनी भी प्रॉपर्टी सीज हुई हैं वो सारी की सारी आपको लौटा दी जाएगी। तो इस तरह से खेड़ा का आंदोलन ये जो था, सत्याग्रह जो था, वो सफल रहा। आगे हम और वीडियोज देके आते रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पे, तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को पहुंचाइए, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस और अपडेट्स पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।